बिजली विभाग में काम कर रहे मानव बल जो कि जान हथेली पर रखकर बिजली दुरुस्त करने का काम करते हैं, लेकिन सिस्टम की लापरवाही कभी कभी उन्हें मौत की नींद सुला देती है। ताज़ा मामला चौसा प्रखंड के चौसा गोला की है, जहां बिजली का तार मरम्मत कर रहे 23 वर्षीय मानव बल वाली चौधरी की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बिजली दुरुस्त करने के दौरान पोल में करंट आ गया, जिसकी चपेट में आने से उसकी दर्दनाक मौत हो गई। इस हादसे के बाद बिजली विभाग के खिलाफ आक्रोश फूटा। पोस्टमार्टम कराने के बाद सैकड़ों की संख्या में मौजूद मानव बल बिजली कार्यालय पहुंचकर शव के साथ जमा हो गए और जमकर हंगामा किया। बताते चले कि मानव बल कर्मी बिजली विभाग के अधिकारियों के द्वारा उन्हें रनिंग आवर में काम करने को कहा जाता है, यानी कि उन्हें बिजली के तारों को उस वक्त दुरुस्त करना होता है जब तार में करंट प्रवाहित रहता है। अब यह समझना आसान नहीं है कि यह प्रक्रिया पूरी तरह से मौत को दावत देने वाली है। ऐसा नहीं है कि इस खतरे का अंदेशा या जानकारी विभाग को नहीं है, लेकिन समस्या यह है कि अधिकारी केवल कार्यालय में बैठकर आदेश फरमाते हैं और फील्ड में घूमने की बजाय कर्मियों को दोष निकालना उन्हें ज़्यादा अच्छा लगता है। मानव बल एसोसिएशन के अध्यक्ष मोहम्मद असलम इराकी ने खुलासा किया, वह और भी चौंकाने वाली है। आप भी सुनिए CNB की खास रिपोर्ट। जो कि हमारे पदाधिकारी गण जान रहे हैं कि उपभोक्ता जो है दो दो ट्रांसफार्मर या दो दो जिसका फीचर नज़दीक है जहां पर क्रॉसिंग हो रहा है, उधर से ट्रांसफार्मर से भी लाइन खींच ली है, इधर से भी खींच ली है। ऐसी स्थिति में ये स्थिति उत्पन्न हुई है। लेकिन आखिर बिजली डिपार्टमेंट तो आपका है, लापरवाही तो हुई है कहीं नहीं, तो सिस्टम आपको देखना है। नहीं, सिस्टम हमको देखना है, बात सही है, लेकिन रिटर्निंग लाइन आ जाने के बाद कहीं के इन्वर्टर के भी लाइन हमारे यहाँ रिटर्निंग आ रहा है, उसमें अब हमको शॉर्ट लगा के चढ़ना है, जबकि अपने परिवार को हमने बता मानव बल को बराबर कहे हैं कि अपना सेफ्टी बरतते हुए काम करना है। अच्छा, इसमें किसकी लापरवाही आप मानते हैं, आपकी नज़र में क्या है इसमें लापरवाही? देखा जाए तो मानिए कि मानव बल में हमारा शट डाउन लिए हैं, लेकिन अब इसके बारे में अभी हम पूरी तहकीकात नहीं कर पाए हैं, क्योंकि मुझे वहाँ पावर सब स्टेशन में जाने की मौका नहीं मिल पाई है, इधर ही फंसे हुए हैं, और पूरी गहराई में जब तक हम पूरी तफसील में जानकारी नहीं ले लेते हैं तब तक किसी को दोषी नहीं ठहरा पाएंगे। नहीं, बता रहे हैं लाइनमैन की काफ़ी परेशानी होती है, किन किन परेशानियों पर आपकी विभाग से बात हुई? अभी हमारी परेशानी है कि हमारे जो मानव बल काम कर रहे हैं फील्ड में उनके साथ है कि जेई के द्वारा जो है प्रेशर बनाया जा रहा है कि रनिंग लाइन में काम करना है। ऐसी स्थिति में हम लोग को दहशत में है, हमारे पूरे परिवार दहशत में, मानव बल परिवार, कि रनिंग लाइन में जहां क्रॉसिंग है, जहां 11 KV है, जहां नंगा तार है या रेल पोल है, वहां बिना शट डाउन का हम काम नहीं कर सकते हैं। इनकी दबाव है कि करना है रनिंग लाइन। लेकिन अधिकारी तो आपको डायरेक्ट मौत के राह पे भेज रहे हैं। हाँ, इसमें तो कोई शक नहीं। तो आप लोग क्या कर रहे हैं इसी विषय में? अभी हम अपने अधिकारी से बात किए हैं, इस पर विचार हो रही है। हमारा अधीक्षण अभियंता आरा से साहब, बात जिला के एसी साहब आ रहे हैं, उनसे हमारी बात होगी, ये सब बिंदुओं पे हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम मोहम्मद असलम इराकी हुआ। मैं मानव बल बिजली विभाग में आपका पूर्वी परशाखा में कार्यरत हूँ। मैं मानव बल साहबाद का जोन का, मैं डिस्ट्रिक्ट मानव बल का अध्यक्ष भी हूँ। घटना हुआ है, मेरा भाई छोटा है। क्या नाम है इनका? ज्वाली कुमार। कैसे घटना हुआ है? ये गया था अपने ड्यूटी करने, उसी में इसको लाइट मार दी है। कहाँ ड्यूटी पे थे ये? ये अखौरीपुर चौंसा गोला पे, बक्सर अखौरीपुर चौंसा के बगल में एक धनेश्वर बाबा हैं, वहीं पे ट्रांसफार्मर था, ट्रांसफार्मर चढ़ा है और लाइट मार दिया है, तब हम लोगों को पता चला है। तो ये कब घटना हुआ था? ये घटना 9 बजे करीब में हुआ है। दिन था कि रात था? रात था। इस घटना में लाइट नहीं काटा गया था? अब लाइट काटा गया था कि नहीं अब हम ये नहीं जानते हैं, क्योंकि जो ड्यूटी करेगा वो बताएगा। इसमें कोई सरकारी लोग आए हैं कि नहीं यहाँ पर? सरकारी लोग वहाँ पे थे, अब यहाँ पे नहीं कोई दिख रहा है। ड्यूटी क्या इनका कब कब ड्यूटी है?
ड्यूटी अभी पता चला है कि 5 से 10 है इनका रात में। अच्छा, तो सरकार क्या पहल कर रही है इनके लिए? अभी कुछ नहीं पता, अभी हम लोग लाश लेकर इधर से उधर चल रहे हैं। कहाँ कराने वाले हैं आप? खरीपुर चौसा गोला बक्सर बिहार कराने वाले। कोई अधिकारी नहीं आया आपसे मिलने? वहाँ पे आया था, यहाँ पे कोई नहीं आया। क्या बोले हैं वो लोग? वो लोग बोले कि जितना हो सकता है हम लोग करेंगे, पहले आप पोस्टमार्टम कराओ। क्या नाम पड़ेगा आपका? भरत कुमार। उनके भाई हैं? यस सर। करते हैं, काफी खतरा है क्योंकि बिजली का काम आप लोग करते हैं, कितनी दिक्कत होती है और अधिकारी क्या कर रहे हैं इस पे? अधिकारी तो हम लोग से काम लेता है, फील्ड में तो जाता नहीं है, फिर भी हम लोग अपना अपना काम करते हैं। और काम करते करते कहीं हम लोग शॉर्ट डाउन लेते हैं, अपने नाम से पहले लेते थे, अब इतना टॉर्चर हो गया है कि चलती लाइन में हम लोग एलटी का फ्यूज वगैरह फुल बना रहे हैं, जोखिम उठा रहे हैं। और खतरा तो, है खतरा है जी, खतरा है, डर लगता है लेकिन फिर भी मजबूर है। क्यों मजबूर है? अधिकारी क्या कर रहे हैं? अधिकारी कह रहे हैं कि भगा देंगे, इधर कर देंगे, उधर कर देंगे, यही सब टॉर्चर कर रहा है। नहीं लगता है आप लोग की तब मौत के रास्ते पर चल रहे हैं? चल रहे हैं सर, फिर भी लेकिन करना पड़ता है, फिर मजबूरी है, पेट के लिए कुछ भी करेंगे, मजबूरी है। अभी इस घटना जो हुई है इसकी लापरवाही आप किसकी मान रहे हैं? बिजली बोर्ड का है, विभाग की लापरवाही, विभाग का है। अच्छा बताइए, क्या क्या दिक्कत होती है जब आप लोग काम करते हैं, तो किस किस तरह की दिक्कत होती है? देखिए, न पिलास यहाँ पर मिलता है, न कोई प्रकार की चीजें नहीं मिलती है, कोई प्रकार की सेफ्टी नहीं है, सेफ्टी का कोई ख्याल नहीं रखता, नहीं अधिकारी सेफ्टी पे बात भी नहीं करते हैं, सीधे बस काम करिए, काम करिए, किसी तरह काम करिए, करते रहते हैं। क्या नाम है आपका? मनोहर लाल शर्मा।